पंजाब में लैंडिंग हो गई है अमित शाह के हेलीकॉप्टर की, और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान, शुभेंदु अधिकारी जो कि लगातार यहां पर डेरा डाले हुए हैं, उनके स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे। और जहां पर हेलीकॉप्टर ये उतरा है उसके आसपास भी आप देख सकते हैं जबरदस्त भीड़ है लोगों की। तो ये नंदीग्राम अपने आप में नाक की लड़ाई है बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए, इसलिए ममता बनर्जी देखिए कड़ी धूप में भी टोपी लगाकर व्हीलचेयर पर बैठकर लगातार अपना रोड शो कर रही हैं, किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं है। वैसे भी उन्होंने अपने पहले ही शोज में कह दिया है रोड शो में कि घायल शेरनी जो होती है वो और ज्यादा खतरनाक होती है। और इस बीच अमित शाह पूरा दावा ठोकते हुए, ताल ठोकते हुए कि हर हाल में इस बार 200 से ज्यादा सीटें उनकी होंगी, ये पहले ही घोषणा कर चुके हैं। और इस बीच अब उनका रोड शो शुरू होने वाला है थोड़ी देर में शुभेंदु अधिकारी के साथ हाथ हिलाते हुए, धर्मेंद्र प्रधान साथ में, और लगातार अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का वहां पर। अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि पश्चिम बंगाल के इस पूरे चुनाव के बीच आपने देखा होगा चुनाव प्रचार जब से चल रहा है तब से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, खुद प्रधानमंत्री की अगर बात कर ले तो प्रधानमंत्री का कई बार यहां दौरा हो चुका, गृह मंत्री सीधे सीधे गृह मंत्री का यहां पर आकर के प्रचार करना, तमाम उसके अलावा जितने भी उनके बड़े बड़े नेता और स्टार प्रचारक मंत्री या नेता हैं वो तमाम लोगों का यहां पर आना इस बात को बताता है कि पश्चिम बंगाल कितना महत्वपूर्ण हो गया है बीजेपी के लिए। और इस बार खास करके ये लड़ाई जो है अब सीधे सीधे, इसमें और कोई बचा ही नहीं है, सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस टीएमसी यहां पर है। और अपने आप में काफी दिलचस्प हो गई है ये लड़ाई क्योंकि हर तरह कि चाहे आप जुबानी जंग ले लीजिए, वार पलटवार ले लीजिए, ट्विटर युद्ध ले लीजिए, गाने पर भी एक दूसरे ने पलटवार किया है। और उसके बाद अब जो है यहां पर भगवान तक को यहां पर नहीं छोड़ा गया, भगवान की उतर आए, जय श्री राम और तमाम तरह के नारे यहां पर दिए गए हैं। और इस बीच दुर्गा पाठ भी हमें सुनने को मिला, चंडी पाठ सुनने को मिला इस चुनावी समर में। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो गया है पश्चिम बंगाल का किला भेदना बीजेपी के लिए भी, नाक की लड़ाई है इस बार, लेकिन नंदीग्राम इन सबके बीच काफी महत्वपूर्ण। नंदीग्राम वो जगह है 2007 अगर आपको याद हो, यहीं से ममता बनर्जी की, एक तरह से कह ले कि ममता बनर्जी आज जो हैं वो इसी जगह से वो बनी हुई हैं। लेफ्ट का किला भेदने के बाद टीएमसी को इस मुकाम तक पहुंचाना, नंदीग्राम में जो कुछ भी हुआ जिस तरह से उस समय पूरे आंदोलन को खड़ा करना और अकेले ममता बनर्जी का इस पूरे आंदोलन को खड़ा करके आज यहां तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। और लेफ्ट के किले को भेदना जो कि अपने आप में एक समय में असंभव लगता था लेकिन ममता बनर्जी ने यह संभव किया। पौलमी शाह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पौलमी, अमित शाह पहुंच चुके हैं जहां पर आप हैं, जहां पर ये वेन्यू है, कितने देर में पहुंचेंगे? हेलीकॉप्टर तो पहुंच चुका उनका। जी यहाँ पर अमित शाह कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे क्योंकि जो जहाँ पर उनका चॉपर लैंड हुआ है वो 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं, वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचते होंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां हो चुकी है यहाँ पर, सिक्योरिटी तो पूरी तरह से तैनात है ही, जो देख रही है कि सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से पुख्ते हैं या नहीं। कार्यकर्ताओं का भी हुजूम यहाँ पर 1-1.5 घंटे से मौजूद है और वो अमित शाह को देखने के लिए उत्सुक है और शुभेंदु अधिकारी को भी देखने के लिए उत्सुक है। अब यही 1 अप्रैल को पता चलेगा कि किस तरह यहाँ का, यहाँ की जो हवा है वो किस तरह रुख करती है, वो तो हमें 1-2 दिन बाद पता चल जाएगा और मई 2 को वो रिजल्ट सबके सामने होंगे। पर आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता है जो पूरी जो सड़क है, सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं और यहाँ पर इंतजार कर रहे गृह मंत्री अमित शाह के पहुँचने का। अमित शाह कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर जो मीडिया भी है वो भी मौजूद है, काफी लोग यहाँ पर मौजूद है और काफी देर से यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है जो कह रही है कि नंदीग्राम कहे जय श्री राम। और यही नारा लगाया गया थोड़ी देर पहले जब ममता बनर्जी का काफिला इसी सड़क से गुजरा था, वो अपने पदयात्रा के जो स्टार्टिंग पॉइंट तक जा रही थी और यहीं से उनका रास्ता गुजरा, तो
वही लोगों ने जो यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता है उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि काफी हाई पिच्ड हो गया है ये आखिरी दिन का जो कैंपेन दोनों तरफ हो रहा है। एक तो ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम में मौजूद है, पदयात्रा कर रही है, तीन सभाएं भी करेंगी और यहाँ पर कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँचेंगे और भाजपा के प्रचार को।